ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनाय च नन्दगोपालाय गोविन्दाय हे कृष्ण करुणानन्द भगवत गीता दसवां अध्याय नवां श्लोक। भगवत गीता दसवां अध्याय और नवां श्लोक। मत चिता मत गत प्राण बोधयन्ते परस्परम। अद्भुत अद्भुत श्लोक। कथयन्श्च माम नित्यं तुष्टन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्त, कृष्ण के शुद्ध भक्त कैसे होते हैं? और आज हमें अपने लेवल का पता करना है कि हम कहां पर हैं। देखिए, हमें कृष्ण भक्ति में कई वर्ष हो चुके हैं और एक बात याद रखिए कि मेरा और आपका रिश्ता पहले भी होगा। अगर पहले ना होता तो अभी भी बिल्कुल ना होता। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे ऊंच नीच आई, कभी मन विचलित हुआ, कभी बुद्धि कंफ्यूज हुई, लेकिन ना आपने मुझे छोड़ा और ना मैंने आपको छोड़ा। ऐसे करते 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 बहुत समय निकल चुका है। अब यहां आज ये जो श्लोक है, एक बात तो याद रखिए कि समय के साथ 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 हमें और भी गंभीर होने की आवश्यकता है। किसी शायर ने खूब कहा, हयाते जिंदगी की दीवार से, क्या कहा? हयाते जिंदगी की दीवार से एक ईंट और निकल गई। हयाते जिंदगी की दीवार से एक ईंट और निकल गई, लोगों ने कहा तुम्हें साल मुबारक हो। क्या अद्भुत बात। हयाते जिंदगी की दीवार से एक ईंट और निकल गई, लोगों ने कहा तुम्हें साल मुबारक हो।
यही कुछ हमारे साथ हो रहा है और हम समय के साथ साथ मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं और मृत्यु सब ठाट पड़ा ले जाएगा जब लाज चलेगा बन जा रहा, सब फैशन, सब नखरे, सब ठाट, सब कपड़े, सब गहने, सब मोटरें, सब गाड़ियां, सब फ्लैट, सब फैशन, सब की सब पड़ी रह जाएगी और हम यहां से चले जाएंगे। और जाने का दुख हमें भी होगा और हमारे जाने का दुख हमारे अपनों को भी होगा, लेकिन अपने समझना, थोड़े दिन दुखी होंगे और आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगे, लेकिन हम थोड़े दिन दुखी होने वाले नहीं हैं। हमें तो पता नहीं कितने जन्मों तक एक फिर दुख का संघर्ष करना पड़ेगा। तो आइए आज ये जो भगवद गीता का 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है, क्या हम जो गीता में कहा है उस लेवल में है? और ये कोई कठिन लेवल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन यहां कृष्ण कहते हैं जो मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अर्थात जो कृष्ण के लिए सोचते हैं, कुछ क्षण कुछ पल हमें कृष्ण के लिए सोचना चाहिए, कुछ पल कुछ क्षण कुछ समय हमें कृष्ण के लिए सोचना चाहिए, कृष्ण की लीलाओं के विषय सोचना चाहिए। ओ देखो तो सही, कृष्ण ने कैसे कालिया नाग का मर्दन किया होगा, कैसे जमुना जी में कालिया के साथ युद्ध किया, कैसे कालिया ने विष फैलाया, कैसे श्री कृष्ण कालिया के सिर पर नृत्य कर रहे हैं, ओह किस तरह से गोपियां माँ यशोदा चिंता में पड़ गए, कैसे कैसे गोपियां चिंता करने लग गई उस विषीले जल में जब श्री कृष्ण गए, कुछ सोच लिया करो। ओ श्याम सुंदर जिसके घर में 9 लाख गायें दूध और दही दे रही है, वो गोपियों के घर जाके कैसे माखन चुराते हैं, इसलिए नहीं कि उनको माखन की जरूरत, बल्कि इसलिए कि वो गोपियों को सुख देना चाहते हैं, गोपियों को आनंदित करना चाहते हैं। कैसे मेरे श्याम सुंदर गोपियों के एक छाछ के प्याले पर नृत्य करते हैं और कैसे ब्रिजवासियों को सुख देते हैं। ओहो किस तरह से राधा रानी के साथ यमुना के किनारे जल विहार कर रहे हैं मेरे ठाकुर,
मेरे ठाकुर कैसे गायें चराने जा रहे हैं, बछड़ों के साथ खेल रहे हैं, खेलते 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 राक्षस आ जाते हैं बछड़े के रूप में, और कैसे मेरे ठाकुर ये सब कुछ करते हैं लीलाएं अपने भक्तों के लिए। कैसे जंगल में आग लगी और ठाकुर उस सारी आग को पी गए, और कैसे ब्रजवासियों की रक्षा की, कैसे अगासुर आया, कैसे बकासुर आया। जब मेरे ठाकुर छोटे थे, घुटनों के बल ने भी नहीं चले कि पूतना आ गई, और कैसे पूतना का वध किया, किस तरह से तृणावत ठाकुर जी को उठा के ले गए, और कैसे ठाकुर जी ने उस तृणावत का वध किया, ये सब कभी सोचा करो। हमारे जीवन की आपाधापी तो चलती रहेगी, उसमें से कुछ पल कृष्ण के लिए सोचा करो। कृष्ण कहते हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। आज अपना लेवल देख लो, ये जितने बैठे हैं और जो सुन रहे हैं, मैं उन सबों के लिए यही सोचता हूं कि ये कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, कृष्ण भजन में आगे बढ़े, हरि कथा कीर्तन में आगे बढ़े, ताकि फिर से इनको यहां कभी जन्म न लेना पड़े। क्योंकि आज तो ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम सत्संग भजन कीर्तन सेवा के लिए समय निकाल पा रहे हैं। हो सकता है आज जैसा पति मिला हो ऐसे अगले जन्म में न मिले, आज जैसी पत्नी मिली है ऐसे अगले जन्म में न मिले, आज जैसे परिवार मिला है ऐसे अगले जन्म में न मिले, आज जैसे सुविधाएं मिली है ऐसे अगले जन्म में न मिले। तो हाथ आया हीरा हमने व्यर्थ में गंवा दिया। मैं आप लोगों को बहुत मेहनत करते हुए देखना चाहता हूं। ये सत्संग भक्ति कृष्ण भावना हमारे लिए कोई हॉबी नहीं है, ये हमारे जीवन का आधार है। बहनों माताओं मित्रों, सबसे बढ़कर हमारे जीवन में कृष्ण होना चाहिए, और कृष्ण से बढ़कर हमारे जीवन में और कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने जैसे कल ही कहा था कि हमें दृढ़ 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 संकल्प की जरूरत है, और कल तो आप लोगों ने हाथ भी उठाए थे। इस संकल्प के साथ कि हमारा जीवन चाहे कितनी ही जीवन की आपाधापी आ जाए, कृष्ण भक्ति से हिलने वाला नहीं है, ना ही कृष्ण भक्ति से हिलेगा, ना कृष्ण भजन से हिलेगा। हमारा जीवन सदैव कृष्णमयी रहेगा। ये हम मुझे मैंने कल आप लोगों से क्या करवाया था, संकल्प कराया था। ये भक्ति हमारे लिए कोई टाइम पास नहीं है, ना ही दिल बहलाने का साधन है। भक्ति दिल बहलाने का साधन नहीं है, भक्ति तो दिल लगाने का साधन है, ये दिल बहलाने का नहीं, दिल लगाने का साधन। मैं अर्पित मनोर बुद्धि हो, तुम अपना मन और बुद्धि मुझे दे दो,
कृष्ण कह रहे हैं गीता में। तो कल आप सबों ने क्या किया? संकल्प किया। कौन सा संकल्प किया? दिल दिया है जान भी देंगे। श्री राधे। तो कल मैंने सबरी माता की कथा अधूरी में छोड़ी थी, अगर याद हो तो आप लोग। ये श्लोक तो मैं पढ़ूंगा ही, लेकिन पहले मैं अपने बच्चों से, अपनी बेटियों से, अपने मित्रों से, अपने परिवार से ये आग्रह करना चाहता हूं कि आपका संकल्प सदैव दृढ़ रहे। संकल्प सदैव दृढ़ रहे। मैंने श्रील भक्तिपाद जी महाराज को देखा, रात को हॉस्पिटल से आए हैं, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और सुबह बैठे हैं कहां? मंगल आरती। हम ऐसे नहीं बन सकते हैं, कम से कम इनके बनाए हुए रास्ते पे तो चल सकते हैं। प्लीज 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 आप सब अपना जीवन श्री कृष्णमय बनाइए, नहीं तो ये संसार वाले तो एक दिन उठा के हमें फेंक देंगे। फेंक देंगे उठा के हमें, डाल देंगे किसी पानी के स्थान में, बहा देंगे हमें। श्री राधे। तो माँ शबरी की जब शादी हुई, ऐसे कहीं लिखा है और कहीं लिखा है कि वो शादी नहीं हुई, लेकिन चलो हमें तो इन महापुरुषों के जीवन से कुछ सीखना है। तो जब उनके पति ने देखा कि ये तो बहुत ही जी करूप है, बहुत करूप है, इसके साथ मैं कैसे रहूंगा, मैं नहीं चाहिए ये, ऐसी करूप स्त्री मुझे नहीं चाहिए। बहनों माताओं मित्रों, कुछ लोगों की शक्ल करूप होती है लेकिन मन बहुत सुंदर होता है, कुछ लोगों की शक्ल बहुत सुंदर होती है लेकिन मन बहुत करूप होता है। शक्ल करूप वालों के साथ तो जी सकते हैं, लेकिन जिनका मन करूप है उनके साथ जिंदगी बिताना बहुत कठिन होता है। जिनके मन में छल कपट अहंकार ईर्ष्या द्वेष जेलेसी क्रोध भरा पड़ा है, उनके साथ जीवन बिताना अति कठिन हो जाता है, भले शक्ल चाहे उनकी कितनी ही सुंदर क्यों ना हो। बहनों माताओं मित्रों, अगर सुंदर शक्ल वालों के साथ रहने से, क्या बोल रहा हूं, अगर सुंदर शक्ल वालों के साथ रहने से जिंदगी सुंदर हो जाती तो आज ये जितने बड़े बड़े एक्टर हैं उनमें से कईयों के तलाक कभी ना होते, कभी ना होते, क्योंकि इनकी तो शक्लें बड़ी सुंदर हैं। इनके जीवन साथी को तो इनके पीछे पागल होना चाहिए, लेकिन पागल होने के बजाय तलाक हो गई। कहने का अर्थ ये है कि सुंदर शक्ल वालों के साथ रहने से जरूरी नहीं है कि जीवन सुंदर हो जाए, कहने का अर्थ ये है। मां शबरी के पति ने जब देखा कि अरे ये तो इतनी करूप शक्ल वाली है, उनको जाकर जंगल में छोड़ दिया। छोटी सी उम्र में मां सबरी को
जंगल में छोड़ के आ गया उसका पति। अब वो परेशान दुखी, ऐसे में उनको मातंग ऋषि मिल गए। याद रखना, शकल सुंदर पार्लर से होती है और मन सुंदर सतगुरु से होता है। शकल सुंदर जो है ना, वो तो पार्लर में भी हो जाती है, लेकिन मन सुंदर सत्संग से होता है। मां सबरी को मातंग ऋषि मिल गए और मातंग ऋषि ने कहा, बेटा आप यहां जंगल में कहां घूमोगे, आप मेरे आश्रम में रुक जाओ। ये जो संतों के आश्रम होते हैं ना, ये भगवान का डेरा होते हैं, वहां भगवान रहते हैं, वहां भगवान रहते हैं। इसलिए मां सबरी मातंग ऋषि के आश्रम में रुक गई और सेवा करने लग गई। सेवा करते 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 बहुत समय बीत गया। श्री राधे, श्री राधे। शिष्य जो है ना, गुरु की आत्मा की संतान होती है, आत्मा की संतान होती है। मैं जब इन बच्चियों को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है ये मेरी संतान है। हाँ, ये अलग बात है, कुछ संतान शैतान भी है, लेकिन है संतान, आत्मा की संतान। श्री राधे। तो शिष्य गुरु की क्या है जी? आत्मा की संतान होती है। इसलिए मातंग ऋषि ने मां सबरी को सत्संग कीर्तन, मैं कहता हूं गुरु शिष्य का कितना सुंदर संबंध है, कितना ब्यूटीफुल रिश्ता है। उस रिश्ते में संसार नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, मात्र आध्यात्म 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 और आध्यात्म। कितना ये पवित्र संबंध होगा। नानक कचड़िया संगत तोड़, नून संत सज्जन पकिया। ये जीवे छोड़े वो मुवे ना छड़न। यहां तो ये हमारे संसार के रिश्ते तो जीते जी ही छोड़ देते हैं, एक शब्द तलाक उस रिश्ते को कितना कमजोर कर देता है। निकल जा मेरे घर से, दो शब्द कहने से जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आ जाता है। किस तरह से ये जिंदगी के रिश्ते हैं। आज से तू मेरा बेटा नहीं है, आज से तू मेरी मां नहीं है, आज से तू मेरा भाई नहीं। कितने शब्दों के द्वारा रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। इसलिए कहा गया, ऐसे रिश्ते ढूंढो जो इतने पक्के हो जो मरने के बाद भी ना टूटे।
श्री राधे। अब मातंग ऋषि ने माँ शबरी को बहुत प्रेम भाव और श्रद्धा से, गुरु जो है ना वो करुणा मूर्ति होता है, कृपा मूर्ति होता है, दया मूर्ति होता है, प्रेम मूर्ति होता है। तो मातंग ऋषि ने माँ शबरी को सत्संग, कथा, कीर्तन, भजन, याद रखना सदगुरु देव जो है ना कमजोर लोगों को भी मजबूत कर देते हैं, जो उठ नहीं सकते हैं उनको चलना सिखा देते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं उनको बोलना सिखा देते हैं। मुकुम करोति वाचालम, जो गूंगे होते हैं उनको भी बोलना सिखा देते। मैं देखता हूं कि हमारे आश्रम की बहुत सारी बच्चियां जो कल गूंगों की तरह रहती थी, आज वो व्यास आसन पे बैठ के हजारों 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 लोगों तक कृष्ण कथा पहुंचा रहे हैं। बोलना सीख, जो अपने घर से बाहर निकलते हुए डरते थे आज वो भारत भ्रमण कर रही हैं, उनके पांव में शक्ति आ गई। जो कभी माला को छू नहीं सकते थे आज माला उनके हाथ में आ गई है। इसी तरह से मातंग ऋषि ने मां शबरी को जिंदगी की ऊंच नीच से लड़ना सिखा दिया। ऊंच नीच को सहना सिखा दिया। सिखा दिया कि हम अकेले नहीं हैं। ए संसार वालों, अगर तुम हमें अकेला करना भी चाहोगे तब भी हम अकेले नहीं होंगे, क्योंकि जिसको हमारे साथ होना चाहिए वो सदैव हमारे साथ है। तुम रुलाओ, हमें आंसू पहुंचने वाला मिल गया। तुम रुलाओ, हमें आंसू पहुंचने वाला मिल गया, जिसका नाम कृष्ण है। हमारे पास मुस्कुराने की वजह है। हम जिसको देख के मुस्कुराते हैं वह हमारे मुस्कुराने की वजह है, और तुम जिसको देख के मुस्कुराते हो वो तुम्हारे मुस्कुराने की एक दिन सजा है। शिराद है हमारे पास, मैंने कल ही कहा खुश होने के बहुत सारे कारण है। हमें खुश होने का कारण है कि कृष्ण भक्ति मिली है, जो अति दुर्लभ है। हमें खुश होने की वजह है कि हमारे पास कृष्ण नाम है। कौन सा कृष्ण नाम? वस्तु अमोलक दी मेरे से, अनमोल वस्तु है हरि नाम। दूसरों के पास धन है, और धन भी कितना करोड़ों है, अरबों है। दूसरों के पास कला है, दूसरों के पास सुंदरता है, दूसरों के पास शक्ति है, लेकिन हमारा तो सब कुछ कृष्ण नाम है। कौन सा कृष्ण नाम? जिसके लिए मीरा ने कहा चोर न लूटे, कैसे खर्चा जितना करो खत्म होने वाला ये हरि नाम नहीं। तुम्हारे पास जो धन है
उससे संसार मिलेगा। हमारे पास जो धन है वो संसार का पति मिलेगा। तुम्हें बनी हुई चीज मिलेगी। क्या कहा? संसार के धन से तुम्हें बनी हुई चीज मिलेगी और नाम धन से हमें बनाने वाला मिलेगा। दिस इज वेरी बिग डिफरेंस। तुम्हें बनी हुई चीज मिलेगी और हमें बनाने वाला मिलेगा। तुम शिकवे करते रहो। ओहो, तुम क्या करते रहो? तुम शिकवे करते रहो, बना के क्यों बिगाड़ा रहा है? शिकवे करते रहो। सुना ना, बना के क्यों बिगाड़ा रहा है ऊपर वाले? नहीं सुना है गाना? ओ माय गॉड, इतना फेमस गाना। बना के क्यों बिगाड़ा रहे ए ऊपर वाले, ऊपर वाले। तुम शिकवा करो कि बना के क्यों बिगाड़ा रहा है, और हम शुक्र करें कि बिगड़ी हुई बना दी। बिग डिफरेंस। तुम शिकवे करो, हम शुक्र करें। यही हमारे गुरुदेव ने सिखाया। धन्यवाद कृष्ण, धन्यवाद कृष्ण। मुझे पता आज ये गाना आप लोग सुनोगे जाके। बना के क्यों बिगाड़ा रहे हैं और ऊपर वाले, बड़ा फेमस गाना है, बड़ा फेमस गाना। बना के क्यों बिगाड़ा रहे हो ऊपर वाले, और हम तो कहते हैं ऊपर वाले आपने हमारे बिगड़ा बना दिया। धन्यवाद। इसमें इस गाने में बड़ी भगवान से शिकायतें की है। तू कैसा भगवान है, तनी कुछ मुझे कुछ पूरा याद नहीं आ रहा इस समय। और अच्छी बात है, ऐसी चीजें याद आई भी नहीं। हमारी तो बिगड़ी, मेरी बिगड़ी बात बनी, मुझे कोई रोके ना। हम ये गाते हैं। चाह बनी, उत्साह बनी, उस अलबेली की राह बनी, मेरे जन्मों की साध फली, मुझे कोई रोके ना। मैं चली बिरज की गली, मुझे कोई रोके ना। इसलिए माँ सबरी के जब गुरु महाराज शरीर, मातंग ऋषि शरीर छोड़ने लगे, तो माँ सबरी विचलित और दुखी हो गई, क्योंकि शिष्य के लिए वो दिन सबसे बड़ा भयंकर दिन होता है, जिस दिन उनके गुरु महाराज के शरीर इस लोक से छूटता है। उससे बढ़कर डिजास्टर और कोई नहीं हो सकता जीवन में, क्योंकि जीवन देने वाला ही, जिसने नूतन जीवन, नया जीवन दिया होता है, वो नया जीवन देने वाला ही फिजिकली हमारे जीवन से नहीं रहता। मां शबरी बहुत विचलित हो गई। क्या होगा? गुरु महाराज मातंग ऋषि से कहने लगे। मातंग ऋषि ने कहा, मेरे जाने के बाद इसी कुटिया में सेवा करना, एक दिन यहीं पर राम आएंगे। गुरु मुख पद्म वाक्या चिते ते करियो क्या, और ना करियो मुनि आशा। जिनको सदगुरु के शब्दों पे अट
अटूट विश्वास है, असंभव भी संभव हो सकता है। असंभव भी संभव हो सकता है जब अटूट अटूट विश्वास। और याद रखना, मैंने बहुत पहले कहा था एक बात कि लोगों की शक्ति धन हो सकता है, किसी की शक्ति बल हो सकता है, किसी की शक्ति ज्ञान हो सकता है, लेकिन भक्तों की शक्ति तो उसका विश्वास है। द्रौपदी निर्बल दुर्बल दुशासन जैसा मोटे मोटे हाथ वाला बाहुबली द्रौपदी के वस्त्र हर रहा है। द्रौपदी कमजोर, लेकिन उसकी शक्ति सबसे बड़ा उसका विश्वास, और उस विश्वास के बल पर दुशासन हार गया, थक गया। अब मां शबरी मातंग ऋषि के परलोक चले जाने के बाद उसी कुटिया में रहकर सेवा करने लग गई। सुबह 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 जल्दी उठ जाती और सारे ऋषि मुनियों के आश्रम को झाड़ू मार के आ जाती। सेवक सेवा में रहे, सेवा करे दिन रात, कहत कबीरता दास पर काल करे नहीं कहत। सेवक का जीवन ही सेवा। जिसने अपने सदगुरु की सेवा की, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न कतो कतो भी। मां सबरी सुबह सुबह संत महात्माओं से पहले उठ जाती और जाकर सबके यहां क्या करके आती। देखो मेरी माताओं बहनों मित्रों, मन तो कुछ पल ऐसे निकालो, कुछ तो पल ऐसे निकालो जहां मन आपका थोड़ी देर के लिए ही साफ हो, भले थोड़ी देर के लिए साफ हो। जब थोड़ी देर के लिए आपके मन में किसी के प्रति द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना हो, जलेसी ना हो, चिड़ ना हो, कुछ तो पल ऐसे निकालो। जहां आपका मन बिल्कुल साफ हो। जिंदगी ऐसे ही कट गई। गालिब ने बहुत अच्छा फार्मूला दिया है, मैं दूं आपको? बहुत अच्छा फार्मूला दिया है, और अच्छी चीज कहीं से मिले हमें ले लेनी चाहिए। गालिब कहते हैं कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी आसान कर ली, कुछ इस तरह से जिंदगी किसी को माफ कर दिया, किसी से माफी मांग ली, जिंदगी आसान हो गई। किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांग ली। दो शब्द सॉरी के कहने से अगर समस्याओं का समाधान हो जाता है तो बोल देने में कभी पीछे मत रहना। एक बात याद रखो मेरी माताओं बहनों मित्रों, जरूरी नहीं है कि सॉरी कहने वाला हमेशा गलत भी हो। क्या कहा? जरूरी नहीं है कि सॉरी कहने वाला हमेशा गलत हो, बस हमारे दो शब्द क्षमा माफी सॉरी कह देने से अगर कुछ समस्याओं का समाधान निकल जाता है तो उसी में आपकी महानता है। मैं फिर कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि सॉरी कहने वाला गलत भी हो।
कब तक हम अपने मन को इस कचरे से भरा रखेंगे? अरे अकल के अंधो, घर के मंदिर को तो साफ करते हो, चमका के रखते हो, वहां तो किसी को नहाए बिना जाने भी नहीं देते हो। हाथ नहीं लगाना, तुमने नहाया नहीं है, मंदिर है, जाना नहीं, तुमने नहाया नहीं है, मंदिर है। शी 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 शी, ये गंदा कपड़ा दूर रखो, मंदिर है, हाथ धोए बिना मंदिर में मत छूना, मंदिर है। घर के मंदिर को तो साफ करते हो, लेकिन मन का मंदिर तो ऐसे ही कचरा भरा पड़ा। सही कचरा पड़ा। और याद रखना, आपका मन हमेशा आपसे जीतेगा, क्योंकि याद रखना, मन से बढ़कर कोई बड़ा वकील नहीं है। वो हमेशा यही सिद्ध करेगा कि आई एम राइट। मन है ना, ऐसे ऐसे बहाने, ऐसे ऐसे तर्क ढूंढ लेता है जहां वो सिद्ध करता है कि मैं सही हूं। मैं सही हूं। मेरे साथ जो हो रहा है ना, वो मुझे पता है। मन बोलता है। तुम्हारे साथ हो तो पता चले, मन बोलता है। यानी ये क्या करना चाहता है कि मैं जो कह रहा हूं, जो कर रहा हूं, जो सोच रहा हूं, बिल्कुल सही है। मेरे साथ जो हो रहा है वो मुझे पता है। अरे तुम्हें यह भी पता होगा कि तुमने दूसरों के साथ किया गया, ये तो मन तुम भूल जाते हो। जो भी आज तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारा किया धरा ही है मन, इसलिए क्यों शिकवा कर रहे हो? हाँ, मेरे साथ हो रहा है वो मुझे पता है, और तुम्हें ये नहीं पता कि तुमने दूसरों के साथ क्या किया? मेरे लिए ऐसे 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 सब सोचते हैं, ये तो तुमको पता है मन, लेकिन तुम दूसरों के लिए क्या क्या सोचते हो तुम्हें पता है? मुझे तो एक कहावत याद आ रही है, मैं सबका खा जाऊं, बोलो व्रत है क्या? तो खाने की बात पे चुप क्यों? बोलो, मैं सबका खा जाऊं, मेरा जो खाए वो अंधा हो जाए। मन है ये। घर के मंदिर को तो चमकाते हो, लेकिन कभी मन के मंदिर को भी चमकाने की कोशिश करो। मां सबरी, जिसके मन में द्वेष नाम की कोई चीज ही नहीं थी, मैंने ये कथा एक दिन आपको सुनाई थी, आपका कोई बुरा करे और आप उसको बद्दुआ दो तो ये संसार है, आपका कोई बुरा करे फिर भी उसको दुआ दो ये संत है, ये वैष्णव है। इसलिए जरूरी नहीं है कि सॉरी कहने वाला हमेशा गलत ही हो, बल्कि सॉरी कहने का मतलब है कि वो रिश्ते को निभाना चाहता है। इनिशिएटिव लेने वाला जरूरी नहीं कि हमेशा गलत हो, इनिशिएटिव लेने का मतलब है कि वो रिश्ते को निभाना चाहता है।
गाना कितना अच्छा, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ, वाह अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ, हारने वाला ही कितने ने कि जीते को जग मिले हारे को हरी मिले, हारे को हरी मिले। इसलिए मैं तो कहता हूं कि दो कदम पीछे हटने में अगर शांति हो जाती है घर में तो हट जाए करो, हट जाए करो। शिराद है तो मां सबरी सब संत महात्माओं के यहां जाकर सुबह सुबह में उठ के क्या करती, झाड़ू मारती। लोगों ने कहा ये संतों के बीच ये अछूत स्त्री कर क्या रही है, ये शुद्र स्त्री कर क्या रही है। मां सबरी कहती मेरे गुरु ने कहा यहीं बैठो राम आएंगे। तब लोग उसकी मजाक उड़ाते कि यहाँ इतने बड़े बड़े संत महात्मा इतने इतने ऊंचे कुल वाले बैठे हैं सबरी, तेरे पास कहां से राम आएंगे। लेकिन सबरी का संकल्प दृढ़ था। आपको पता है मां सबरी कब से बैठी थी उस कुटिया में, जब वो बिल्कुल जवान थी। और बहनों माताओं मित्रों कभी 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 इंतजार करते 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 सबर का पैमाना छलक जाता है। लोग कहते ना आखिर हम कितना इंतजार करें, उम्र दराज मांग कर लाए थे चार दिन। गालिब ने कहा उम्र दराज मांग कर लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। चार दिन की जिंदगी कहा ना, चार दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मेरी बात मान लो नहीं आएगी रात। लो गालिब से आगे एक शेर हो गया, मान लो भजन करो हरे कृष्ण 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 हरे ओम अज्ञान तिम्रांदस्य ज्ञानंजन श्लोक चक्षुन्मीलित मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मां सबरी सबकी बातें सुनती लेकिन संकल्प कभी टूटने नहीं दिया। आप भी सुनो, आपको भी सुनाते होंगे ये उम्र है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वैसा है। कभी कभी तो ऐसे भी धर्म के नाम पर भी आपको संकल्प तोड़ेंगे। हम तो उस पंथ को मानने वाले, हम उस पंथ को मानने वाले, हम उस संप्रदाय को मानने वाले हो, तुम लोग कहां से कृष्ण भक्ति में चले गए। हमारे बड़े हमारे बुजुर्ग वो पंथ को मानते थे, हमारे यहाँ कृष्ण भक्ति होती नहीं है, हम तो उसको मानते हैं, हम इसको मानते हैं। मानते हैं कि आप उसको मानते हो, मानते हैं कि आप इसको मानते हो, लेकिन हम उसको मानते हैं जिसको उसको मानने वाले भी मानते हैं, जिसको इसको मानने वाले भी मानते हैं। और हम उसको मानते हैं जिसको तुम मानते हो, वो भी उसको मानते हैं। वासुदेव सर्वति सह महात्मा तुसु दुर्लभ। ये अर्जुन मुझसे परे ऐसा कोई कोई तत्व नहीं। भगवत गीता सातवां अध्याय और श्लोक सात। इसलिए मां सबरी का
कोई संकल्प नहीं तोड़ सका। दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प। और पता है जवानी से वो संकल्प दृढ़ रहा, और राम कब मिले? बुढ़ापे में, जब कमर झुक गई थी, बाल सफेद हो गए, आंखें चंदिया गई, इतना लंबा सफर। याद रखना, सफर में जिनको सबर है मंजिल उन्हीं को मिलती है। सफर में जिनको सबर है मंजिल उन्हीं को मिलती है। जिनका सबर टूट गया वो तो सफर आधे में ही छोड़ देते। बहनों माताओं मित्रों, कृष्ण के पीछे भागते रहना, क्या कहा? कृष्ण के पीछे भागते रहना, लेकिन भगोड़े मत बनना। समझ रहे हो मेरी बात? क्या कहा? कृष्ण के पीछे भागते रहना, लेकिन भगोड़े मत बनना, नहीं तो अंत में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम लोग। ठाकुर सुनो, हम भूल गए हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। कृष्ण के पीछे भागते रहना, लेकिन भगोड़े मत बनना। आधे में सफर कभी छोड़ना मत। यही लो, अभी तो मैंने भगवत गीता का श्लोक ही नहीं पढ़ा, एक ही शब्द पढ़ा है, मेरे भक्तों के विचार मुझ में वास करते। भक्तों के विचार कृष्ण में वास करते हैं, और जो संसार का सोचते हैं वो अपना सत्या। आप ही बोल दो, शेर बना दो, शेर। मैं शायर तो नहीं, जब से चलो समझ जाओ। कृष्ण में जिनके विचार वास करते हैं, और जो कृष्ण के सिवा कुछ और सोचते हैं, वो सत्या नाश करते हैं, अपना भी और दूसरों का भी। इसलिए अपने विचार थोड़ी देर के लिए ही कुछ कृष्ण के लीलाएं सोच लिया करो। ओ गोवर्धन, वाह, ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिया। नल कुबेर की कैसे है, नल कुबेर और मणिग्रीव की कैसे उखल बंधन से मुक्ति कर दी। ऐसे सोचा करो कुछ लीलाएं रोज, कुछ समय निकालो, दो चार पांच दस पंद्रह मिनट अकेले में बैठो, अगर मौका मिले तो। दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, क्या करो क्या करो क्या करो। नित्य भजो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल नित्य, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधे राधे, जय जय।